सो वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है वो किस चीज के ऊपर रहेगा, जो हमारा कोटपुतली जो नगर परिषद था वो कन्वर्ट होके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जो नगर परिषद कोटपुतली था वो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जिला बन चुका है। इट मीन वैसे हमारे जो यहाँ की जनता है वो VIP जिला कोटपुतली बोलती है इसको। और अरे कहना क्या चाहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी VIP जिला कोटपुतली है, ठीक है। जब जिला नहीं बना रहा तभी भी हम VIP जिला बोलते थे इसको, क्योंकि हमें विश्वास था खुद के ऊपर कि VIP इसको जिला बना के रहेंगे। और अब जो ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये किस चीज के ऊपर, वो भी आपको बता देता हूँ। अब ये जो सीरीज आएगी, सीरीज टाइप में लॉन्च कर रहा हूँ, 7-8 दिन की या 10 दिन की भी हो सकती है, 15 दिन की भी, 1 महीने की भी हो सकती है। और ये प्रॉपर कोटपुतली की होगी, क्योंकि हमारे पेपर चालू होने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को कोटपुतली के अंदर ही, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पता है, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे हमारे पेपर चालू होने वाले हैं, इस वजह से हम कोटपुतली में शूट करने वाले हैं। और सीरीज टाइप, जब तक पेपर चलेंगे तब तक, जब तक पेपर चलेंगे तब तक 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक ये कोटपुतली के व्लॉग्स आएंगे। और आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम कोटपुतली की फेमस जगह और फेमस खाने पीने की चीजें या जो विजिटिंग प्लेसेस है, फोटो प्लेसेस है, वो प्लेसेस आपको विजिट करवाने वाले हैं। तो आप इन व्लॉग्स के अंदर बने रहे और देखते रहे इन व्लॉग्स को। बट जो आज का जो व्लॉग है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस चीज का है। आप लोगों ने समोसे बहुत खाए होंगे, समोसे हर कोटपुतली में हर जगह के समोसे खाए होंगे, तो आज मैं आप लोगों के लिए लोकल स्ट्रीट के सारे समोसे लेके आ चुका हूँ। अलग अलग तरीके की पन्नियां आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, कोई लाल कोई काले, सॉरी लाल काली तो नहीं है, व्हाइट पन्नियां दिख रही है, ठीक है, डिस्पोजल पन्नियां जो होती है, ठीक है, प्लास्टिक जो होती है पन्नियां। और हमने क्या किया, एक पर्ची सी डाल दी इनके अंदर, जिससे हमें याद रहे कि हम क्या कौन सा समोसा लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे, ठीक है। तो अभी जो समोसा है वो है जी भगवान दास, वो जो भगवान का समोसा खाया होगा आपने, भगवान बोलते हैं अपन, तो जो भगवान दास जी हैं बेटे हैं वो ये मतलब स्टॉल वगैरह लगाते हैं, पुल के नीचे लगाते हैं और बढ़िया रिवेन्यू जनरेट करते हैं, बढ़िया पैसा जनरेट करते हैं, क्योंकि इनका फेमस समोसा है, बढ़िया समोसा है, कड़क समोसा है, मसालेदार समोसा है, ठीक है। तो इनका समोसा निकालते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके का इनका समोसा है। सॉरी ये थोड़ा पिचक गया था गाइज, तो गाइज थोड़ा सा समोसे को वो हो गया, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ नहीं। सो गाइज ये समोसा हमने यहाँ रख दिया है, दिस इज भगवान दास समोसा, ये हमने इसके आगे चिट रख दिया गाइज, ओके। सो ये उनकी चटनी है गाइज, ये चटनी की मैं बात करूँ तो मेरे को नहीं पता किस चीज़ की चटनी है ये, इसके अंदर जो भी है वो भी चेकआउट करेंगे। ये चटनी मैंने रख दी है तो इसको साइड रख देते हैं। अभी नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो नेक्स्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा किसका क्या समोसा है, ठीक है। तो ये हमने ये निकाला, ओके। सो ये वाला जो है ये जस्ट अभी मंगवाया है मैंने, ओके। सो हम यहाँ एट प्रेजेंट इन आउट रेस्टोरेंट बैठे हैं, तो यहाँ पे नितिन भैया हैं, उन्होंने हमें ये ला के दिया था, हम भूल गए थे, ये गोर्धन स्वीट्स वाले के हम ये लेके आए हैं, ठीक है, उनसे मंगवाया है हमने, वो लाके उन्होंने ला के दिया हमको। इस पे चिट वगैरह इसलिए कुछ नहीं डाला है हमने। तो ये गोर्धन स्वीट्स वाले के, गोर्धन स्वीट्स जो कोटपुतली में फेमस है, ओके। और ये देख सकते हैं आप, ये उनका समोसा है, सो ये उनका समोसा है और ये उनकी चटनी है गाइस। और नेक्स्ट समोसे की मैं बात करता हूँ, तो ये बार इनको भी साइड में रख देते, ये हरी चटनी भी दी है गाइस उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। एक ये भी दिया है बट इसका कोई काम नहीं है, तो इनको भी साइड में रख देते हैं एक बार। तो हमारा अगला है, जो अगली है मैं पकड़ रहा हूँ वो ये है जी व्हाइट वाली पन्नी, और व्हाइट पन्नी मैं उठा रहा हूँ, इसमें देखता हूँ किसकी चिट डली हुई गाइस। तो चिट की मैं बात करता हूँ, चिट इसमें डली हुई है जी जोधपुर, तो यहाँ पे गाइस जोधपुर की चिट डली हुई है, जोधपुर की डली हुई है। तो मैं यहाँ पे उसका समोसा निकालता हूँ गाइस, और मेरे को लगा अभी कंफ्यूज हो गया ना, मेरे को लगा समोसा इतना पतला कैसे हो गया गाइज। तो ये इसकी चटनी है गाइज, और उसके अलावा ये उसका समोसा है गाइज, इसके भी दस्त हो रहे हैं लग रहा है। तो कैसे मरा हुआ, तो गाइज ये भी रख दिया हमने। और अगले समोसे की मैं बात करता हूँ, तो अगला समोसा भी मैंने उठा लिया है, और अगले समोसा की मैं बात करता हूँ, तो ये हमारा अगला समोसा है जो कि चिटकी में, अरे लो ये जोधपुर था ना, कौन सा था भाई जोधपुर, ये था जोधपुर, ये जोधपुर था। तो अगला समोसा हमारा भगवान दास भाई, भगवान दास भाई का मतलब होता है गाइज के जो भगवान दास समोसे वाले हैं उनके भाई भी समोसे, अरे सॉरी यही है मतलब मैं भी भगवान दास गाय बस भाई ढूंढ रहा था भगवान दास का, भगवान दास समोसे वाले तो ये हैं और उनके जो भाई हैं वो ये रहे, ठीक है, मतलब ये उनके समोसे, मैं सच में ढूंढने लग गया मेरे कहाँ गए, ठीक है गाइज। तो ये तो यार ये ऑयली ज़्यादा लगा यार मेरे भाई साहब, ये गलत काम किया भाई साहब, भगवान दास ही बड़े आदमी का तेल नहीं था इतना, तो ये कितना ओ हो गाइज बहुत ऑयली है, तो
चलो देखते हैं क्या रहता है। बट उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है मेरे को, हल्का सा। फेस शक्ल तो एक जैसी है, भाई रह गए ना। सो गाइज मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है गाइज, तो अगली हमारी आ चुकी है, हमने खोल लिया है और इसके अंदर सीट डली हुई है गाइज। ये हमारी डली हुई है रेवाड़ी बेकरी, रेवाड़ी बेकरी, बेकरी वाले समोसे बनाते हैं गाइज, तो रेवाड़ी बेकरी में हमने ये रख दिया है यहाँ पे। और गाइज ये हमारी अगली प्लेट आ चुकी है, तो हमने प्लेट रख दी है गाइज। ओके सो हमारा जो ये समोसा है, अगला समोसा आ चुका है रेवाड़ी बेकरी का गाइज। तो ये थोड़ा छोटा है गाइज। तो ये इनकी चटनी है, और वैसे इस इन्होंने चटनी नहीं दी अपने को, भगवान दास के भाई ने चटनी दी थी अपने को, तो अपन ने चटनी थोड़े सा इग्नोर कर दिया चटनी को। सेम ही चटनी लग रही है मेरे को दोनों की, मिलके बनाते हैं भाई रह गए। ओके गाइज, तो यहाँ पे अगले की मैं बात करता हूँ, ये आ चुके हैं हम अगले पन्ने के ऊपर। तो अगली गाइज थोड़ा कचरा हो चुका है, आप देख सकते हैं इस साइड। तो यहाँ की मैं बात करता हूँ, तो अगली हमारी चिट आ चुकी है, चिटकी में बात करता हूँ, तो चिट आ चुका है फेमस द राजस्थान स्वीट्स, जो कि चौराहे से थोड़ा सा आगे जाके पड़ता है, एक राजस्थान स्वीट पड़ता है बांसुर कट साइड, उससे नहीं लेके आए हम लाए, जो कि चौराहे के पास में पड़ता है राजस्थान स्वीट, द राजस्थान स्वीट, उससे हम लेके आए हैं। और हम इसके अंदर अब हमारा जो अगला समोसा है जो राजस्थान स्वीट्स का है वो रखने वाले हैं। ये कटलरी वगैरह ये थोड़ी परेशान कर रही है। तो गाइज ये उनका समोसा है, और देख सकते हैं शाही समोसा, शाही लग रहा है, प्लेट भी ऐसी आई है। ये चटनी आ गई गाइज, ये हमने साइड में कर दिया है गाइज। ओके गाइज, तो आपको ये सारे समोसे अरे एक जैसे लग रहे, स्वाद असली तो स्वाद होता है गाइज, तो एक बार सारे चेक करेंगे विदाउट चटनी एंड विद चटनी। ओके गाइज, तो आपको टेस्ट में बताता हूँ, तो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला समोसे वाला है भगवान दास के भाई हैं, जो भगवान जी के भाई है ना, उनके समोसे को चेक करते हैं। तो उनके समोसा मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइज, तो ये उनका समोसा है गाइज, ये उसकी फिलिंग है, चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आलू की फिलिंग है, धनिया प्याज टमाटर मिर्ची आलू अदरक सब कुछ गिरा हुआ है इसके अंदर, दिख नहीं रहा वैसे, तो इसका मसाला है वो अच्छा बनाया हुआ है। ओके सो अभी इसको खा के चेक करते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। ओके मैं वैसे खाया नहीं है, मैंने भगवान दास जी का ज़रूर खाया है, इनका पहली बार खा रहा हूँ, तो इनका चेक करते हैं, थोड़ा सा चेक करेंगे। ओके तो भाई टेस्ट की मैं बात करूँ तो ठीक है, अब चटनी के साथ चेक करते हैं, चटनी को यहीं डाल लेता हूँ गाइज मैं। ठीक है गाइज, तो चटनी को यहाँ डाल लिया मैंने, और थोड़ा सा चेक करते हैं चटनी के साथ। ओके ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे यार, क्योंकि देखो आपको पता है इतना मैं खाऊंगा नहीं, तो थोड़ा सा इसको तोड़ लेता हूँ ऊपर से, और चटनी के साथ खा के चेक करते हैं गाइज। चटनी के साथ थोड़ा सा मिर्ची वाला टेस्ट आया गाइज, स्वाद आ गया वैसे ना। अब अगले पे चलते हैं अपन, तो अगला आ रहा है रेवाड़ी बेकरी। और गाइज तो रेवाड़ी बेकरी की अगर मैं फिलिंग की बात करूँ, तो गाइज ठंडा समोसा दिया है उन्होंने, ये थोड़ा गर्म भी था गाइज, ये फट भी नहीं रहा यार। ओहो इसकी फिलिंग में, उसकी फिलिंग में देख लो, वो फिलिंग कितनी अच्छी थी, इसकी फिलिंग देखो, ऐसा लग रहा है जैसे 5-7 दिन पुराने आलू का वो बना रखा उन्होंने। रियल रिव्यू दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो बुरा मान लें वही सीधी सी बात है। ठीक है गाइज, तो ये है, टेस्ट चेक कर लेते हैं। टेस्ट ठीक है, दिखने में गंदा था, चटनी के साथ और चेक कर लेते हैं गाइज। गाइज ठीक है, ओके लास्ट में बताऊंगा कौन ज्यादा बेस्ट था। ओके गाइज तो आगे चलते हैं, ये जी द राजस्थान स्वीट, ये द राजस्थान स्वीट, तो इसकी फिलिंग चेक कर लेते हैं गाइज। तो गाइज आलू कम डाला बेचारों ने आज। तो आलू वैसे बढ़िया पीला पीला आलू डाला हुआ है, मसाले वसाले ठोक के बढ़िया, चेक करते हैं गाइज, टूट तो गया ये, पहले ये चेक करते हैं। टेस्ट अच्छा है गाइज, अब चटनी के साथ अच्छा टेस्ट है गाइस का भी, चटनी के साथ ठीक फ्लेवर आया। अगले भी चलते हैं गाइस, ये है जोधपुर वाले गाइस, इसका जोधपुर वाले इसी पर्ची खो गई,
कोई ना परचेज कर लेना, अपने समोसे से लेना। तो भाई इसको इसके ऊपर भी देखो, और समोसे के बीच में लाइन होती है, इसके देखो साइड में लाइन है, जैसे इसने राजपूती वो कुर्ता पहन रखा हो समोसे ने, ठीक है। तो भाई साइड में इस कुर्ता फाड़ते हैं इसका। तो ये इसका कुर्ता फाड़ रहे हम। तो गाइस कुर्ता फाड़ दिया है, और कुर्ता ठीक था, मतलब समोसा भी ठीक है गाइस, फीलिंग वगैरह ठीक लगी मेरे को। अब इसको थोड़ा सही तोड़ लेते हैं, जो चेक करना है गाइस, जोधपुर वाले का बताया गाइस मैंने, ओके। तो ये आलू लिया थोड़ा सा, और ये समोसा लिया हमने, और हल्का सा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। कोई बंदा खाए ना उसको मिठास लगे, मसाला ठीक है, मिठास भी ठीक है। अब चटनी के साथ खा के देखते हैं गाइस, इसकी चटनी चटनी तो चीनी की बनाई हुई है, पेपर मिठास, मतलब किसी को मीठा पसंद हो ना और नमकीन प्लस मीठा खाना हो तो ये समोसा मत छोड़ना, मस्त है, नमकीन मिठास वाला अच्छा टेस्ट आ रहा है। अगले ही मैं बात करूं तो रेवाड़ी, सॉरी, तोबा गलती हो गई, गोर्धन वाले की है ये समोसा, क्योंकि यार नाम भूल गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्ची नहीं थी ना। ये है जी, अब समोसा देखो यार, समोसा भी बड़ा, मसाला भी ठोक के भरा हुआ है, और चटनी भी दो दी है, कितना बढ़िया आदमी है, चटनी भी दो दी हुई है, एक तो लाल पिचकारी और एक हरी पिचकारी, ओके भाई। तो ये समोसा चेक करते हैं अपन, तो ये वाला आलू वाला, सो गाइस इसका समोसा चेक करते हैं विदाउट चटनी। क्रंची क्रंची स्वाद आया गाइस, मजाक नहीं कर रहा। और इसका जो सिकाई है ना वो भी अच्छी है, अलग ही फील आ रहा है, ओके मजे जरूर आए। अब चटनी के साथ लेके देखते हैं दोनों, पहले एक बार एक इसके साथ, ये तीखी है भाई मैं नहीं लूंगा, हरी के साथ लेके देखते हैं। धनिया पुदीने पालक की चटनी है, जो भी होता हो, एक नंबर टेस्ट आया गाइस, स्वाद में एक नंबर लाजवाब, ठीक है। नेक्स्ट का जो है नाम क्या है भाई, भगवान जी, ये रहे हमारे भगवान जी, भगवान दास जी का समोसा हमने चेकआउट कर लिया। तो ये रहा जी, थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो ये इसकी फिलिंग है, और फिलिंग की मैं बात करूँ ना, इतनी प्यारी फिलिंग है इस वाले से, तो मुझे लगा था कि सेम ही होगी, हल्की हल्की सेम दिख रही होगी, बट सेम नहीं है, हल्का सा चेंज है, हल्का सा, या तो सिकाई का चेंज होगा कुछ भी मेरे को नहीं पता, बट इसकी जो फिलिंग है ना बिल्कुल प्यारी फिलिंग है, क्योंकि मसाला सारा मिक्स है इसमें, देखो आलू आपको अलग दिख रहा होगा, आलू अलग दिख रहा होगा मोटा, इसमें कोई भी आलू अलग नहीं दिख रहा, प्रॉपर रश किया हुआ है, मतलब बिल्कुल पिचकाया हुआ है आलू को, समझ रहे हो, बिल्कुल मतलब मेल्ट वाला आइसक्रीम होती है, सॉरी मतलब ठोक दिया गया है, सही ठीक है। तो मैं खा के बताता हूँ आपको, तो खा के मैं बताता हूँ आलू के साथ, ओके गाइस, तो ये आलू के साथ मैं खा के बता रहा हूँ आपको। राइट, मजे आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, अलग ही लाइक टेस्ट है। अब चटनी के साथ चेक करते हैं, चटनी आज थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि तीखी चटनी है इनकी, बाकी समोसा एक नंबर। तो गाइस सारे समोसे आगे चेक कर लिए, सबकी चटनी उटनी सब चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया, तो जो सबसे बेस्ट समोसा है ना मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब आप ये बोलोगे यार तेरे को जो अच्छा लगा वो तू बताएगा, नहीं, आप ये बोलोगे कि भाई जो तेरे को अच्छा लग रहा है वो तू बताएगा, मैं किसी भी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा, ना भगवान जी का कर रहा हूँ, ना रेवाड़ी वाले का कर रहा हूँ, ना राजस्थान का कर रहा हूँ, किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लग रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कोटपुतली की सीरीज डालने वाला हूँ, तो कोटपुतली में जो बढ़िया चीजें हैं उनके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ओके। सबसे बढ़िया है जी, जो पहले नंबर पे अवार्ड जीता है तो वो जीता है गोर्धन वाले ने, एक ही नंबर है, करंची था और हल्का सा गरम भी था, गरम की तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेन होती है फीलिंग अच्छी थी, और हरी चटनी के साथ तो और भी अच्छा लग रहा था, जो ये चटनी बनाई उन्होंने, और सबके अलग अलग चटनियाँ हैं, हरी है बट वो टेस्ट नहीं है जो इसमें है,
ठीक है, चटनी के साथ और भी अच्छा लग रहा था। ये फर्स्ट नंबर पे गाइस, और ये सेकंड नंबर पे है भगवान दास जी का। अब आप लोग बोलोगे फेमस है भगवान दास जी का, देखो फेमस है बिल्कुल ठीक है, पर होता क्या है कि अगर कोई चीज़ फेमस हो जाती है रेगुलर वो चीज़ बनाता है तो वो टेस्ट नहीं आता है। मेरे को टेस्ट अच्छा आया, चटनी के साथ अच्छा नहीं लगा, और वैसे समोसा अच्छा है। फर्स्ट नंबर मैंने इसलिए दिया क्योंकि अगर आप लोग खाते हो नॉर्मली तो चटनी के साथ आपको समोसा एक ही नंबर लगेगा, और मोस्टली चटनी के साथ ही लोग खाते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मैंने समोसा बताया, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे जाके विजिट जरूर करें और खाएं वहाँ पे। ओके, तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।